गोलगतनी समाचार बटुए रोहतास बक्सर से बड़ा खबर आ रहा बटुए। झारखंड के बाद अब बिहार में भी महिला अधिकारी प्रेम स्वरूपम कैली करोड़ों के घोटाला। जी हाँ, ऐसने मामला आई बा। रोहतास के नगर परिषद विक्रमगंज में मेटेलिक साइन बोर्ड क्रय संबंधी अनियमितता पावल गई बटुए। ई रिक्शा होल्डिंग प्लेट में अनियमितता, सात निश्चय जल नल योजना में गड़बड़ी के लेके ई FIR दर्ज करावल बटुए। खबर का बा एकरा के विस्तार से जानी। झारखंड के बाद अब बिहार के एगो महिला अधिकारी भी 2 करोड़ गटक लियली। जी हाँ, जब तथ्य सामने आवता उससे तो बिल्कुल 100% साँच लागता। दरअसल पूरा मामला रोहतास जिला के विक्रमगंज के हटुए, जहाँ परिषद में ई रिक्शा सड़क पे लगावल गई मेटालिक सिग्नेचर साइन बोर्ड खातिर 1.90 करोड़ से अधिक के राशि भुगतान में वित्तीय अनियमितता के मामला प्रकाश में आई बा। जेकरा बाद रोहतास के जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार विक्रमगंज के तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी प्रेम स्वरूपम सहित अन्य कर्मी पे मुकदमा दर्ज करे के आदेश दिहले बानी। बता दी कि विक्रमगंज के एगो वार्ड पार्षद ललन प्रसाद एगो पत्रकार के द्वारा कैल गई शिकायत के आलोक में रोहतास DM धर्मेंद्र कुमार के द्वारा विक्रमगंज के अनुमंडल अधिकारी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जाँच टीम के गठन कैल गई। जौन टीम जाँच के बाद पैलस कि सड़क पे लगावल गई मेटालिक साइन बोर्ड के 1.11 करोड़ आ ई रिक्शा के खरीद खातिर 80 लाख रुपया से अधिक के राशि अनियमितपूर्ण तरीका से कैल गई बटुए। ओजे वस्तु के क्रय में उपयोगिता गुणवत्ता संबंधी मापदंड में वित्तीय अनियमितता कैल गई बटुए। DM धर्मेंद्र कुमार बतैनी कि जांच टीम के रिपोर्ट के बाद संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी प्रेम स्वरूपम के शो कॉज भेजल गई बा, जरा जवाब से जांच टीम संतुष्ट ना भइल। एकरा उपरांत कार्यपालक पदाधिकारी के मामला में FIR के निर्देश दियल गई बा। जांच के दौरान वित्तीय अनियमितता उजागर भइल बा। ऐसन में जांच के दौरान दोषी पावल गई विक्रमगंज के नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी प्रेम स्वरूपम अन्य कर्मी पे वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा FIR कह के सूचित करे के निर्देश दिहल गई बा। विक्रमगंज में स्थानीय व पत्रकार के द्वारा साइन बोर्ड ई रिक्शा में वित्तीय घोटाला के लिखित शिकायत कैल गई रहे। पूरा मामला के अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में गहन जाँच करावल गई। मिलल रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन EO प्रेम स्वरूपम सहित 9 कर्मी भी दोषी पावल गई रहे। सब लोग पर प्राथमिकी दर्ज करावे के आदेश दिहल गई बा। रउरा सबके बता दी कि बक्सर से इनकर कारिश्ता बटुए तो इहो भोजपुरिया समाचार बतावे जा रहा बटुए। रउरा सबके बता दी कि ई अब वर्तमान में बक्सर के EO के पद पे बाड़ी। अभी बक्सर जिला के कार्यपालक पदाधिकारी के पद पे प्रेम स्वरूपम पे रोहतास के DM FIR के आदेश देले बानी। रउरा सबके बता दी कि तत्कालीन विक्रमगंज नगर परिषद के तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी वर्तमान में बक्सर नगर परिषद में पदस्थापित प्रेम स्वरूपम पे रउरा सबके पहले ही बतावल गई मेटेलिक साइन बोर्ड क्रय संबंधी अनियमितता, यानी जौन बोर्ड लागेला रोड के किनारा ओकरा में गड़बड़ी करे 1.10 करोड़ के घोटाला के आरोप लागल बा। एकरा एवज में इनका ऊपर FIR दर्ज करावल बा। बता दी कि रोहतास DM त्रिस्तरीय जांच टीम के गठन कैले रही। यह टीम में SDO विक्रमगंज प्रियंका रानी, कोषागार पदाधिकारी सासाराम राम प्रवेश यादव आ जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी शामिल रही। टीम जौन बटुए जाँच के बाद प्रतिवेदन सौंप दिले रहे, जौना में ई मामला उजागर भइल रहे। जरा बाद DM ओजा के रोहतास के DM धर्मेंद्र कुमार इनका ऊपर FIR दर्ज करावे के आदेश दिहल बानी। तो एकरा बाद एगो बड़ा खबर रउरा सबके भोजपुरिया समाचार दे रहल बटुए। बड़ा खबर बक्सर के EO पे FIR दर्ज करे के रोहतास DM लिहनी आदेश। झारखंड के बाद अब बिहार में भी महिला अधिकारी प्रेम स्वरूपम कैली करोड़ों के घोटाला। बड़ा खबर भोजपुरिया समाचार पे, प्रेम स्वरूपम कैली करोड़ों के घोटाला। झारखंड के बाद बिहार में एगो घोटाला सामने आ रहा बटुए। प्रेम स्वरूपम BPSC है, BPSC प्रेम स्वरूपम। झारखंड के बाद अब बिहार में एगो बड़ा घोटाला उजागर हो सकत बड़ुए। तो भोजपुरिया समाचार पल पल के अपडेट दे रहा बटुए। रउरा सबसे निहोरा बा कि रउरा सभे चैनल सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर जरूर करी। बहुत बहुत धन्यवाद।